हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है आकाश झा। मैं आप सभी का अपने एक और नए कमाल के ब्लॉग वीडियो पर दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों अपन रुके हैं 4 दिन से मथुरा वृंदावन में। दोस्तों अपन ने पूरा मथुरा वृंदावन कर लिया है कवर, सिर्फ और सिर्फ बचा है अपने गिरिराजी महाराज का जो परिक्रमा है वही बची है, बाकी तो सब अपन ने एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो दोस्तों आज करने वाले हैं अपन श्री गिरिराजी महाराज की परिक्रमा, जो कि पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। इस परिक्रमा मार्ग में आपको काफ़ी जगह देखने के लिए मिलेंगी, सब अपन करने वाले हैं कवर। बने रहिए दोस्तों आप ब्लॉग में। जैसे आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारे गिरिराजी महाराज, गिरिराजी पर्वत है। यहाँ पर भक्तों ने अपने छोटे छोटे घर बनाए। भगवान से प्रार्थना है सबकी मनोकामना गिरिराजी महाराज पूरी करें। चलो दोस्तों आप बने रहिए ब्लॉग में। इस करते हैं अपन बड़ी परिक्रमा स्टार्ट। देखिए बड़ी परिक्रमा प्रारंभ पड़ेगा अपन को। आनायर पड़ेगा 3 किलोमीटर, जतिपुर 8 किलोमीटर, पूछरी का लोटा 6 किलोमीटर। चलिए भाई गाइस, गोवर्धन जी महाराज, गिरधर गिरिराज जी महाराज। चलिए गाइस, हो गई है परिक्रमा अपनी स्टार्ट। ये जो परिक्रमा है 12 किलोमीटर की है, ये बड़ी परिक्रमा। उसके बाद में टोटल परिक्रमा है दोस्तों 21 किलोमीटर की। ये जो बड़ी परिक्रमा है वो है दोस्तों 12 किलोमीटर की। उसके बाद में जो बची कुची परिक्रमा है 8 किलोमीटर की दोस्तों, वो राधा रानी वाला परिक्रमा हो जाएगी। चलो करते हैं अपन बड़ी वाली परिक्रमा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसी पास में चट जी महाराज, ये है गिरिराज जी महाराज, गिरिराज जी पर्वत। गाइस ये सिर्फ हमारे लिए एक पर्वत ही नहीं है, हमारे लिए हमारी आस्था का भी एक विषय है। इस पर्वत को हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण किया था, जो एक काफ़ी भगवान ने काफ़ी समय पहले एक लीला रची थी। और इंद्र का अभिमान इस पर्वत को उठाकर उसने चूर किया था, नष्ट किया था। तो दोस्तों चलो आज अपन पूरी की पूरी परिक्रमा एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये टोटल पूरी परिक्रमा है दोस्तों 21 किलोमीटर की। और परिक्रमा मंदिर मिल जाएंगे, जैसे हनुमान जी महाराज का मंदिर, ये हनुमान जी महाराज की एक विशाल मूर्ति है। उसी के पास में देखिए गिरिराज जी महाराज है। इस परिक्रमा को दोस्तों आप सड़क से भी कर सकते हैं, जैसे कि ई रिक्शा चलती है यहाँ पे, ई रिक्शा से भी इस परिक्रमा को आप पूरी कर सकते हैं। अगर पैदल करना चाहें तो पैदल भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास में। उसके बाद में अपन तो कर रहे हैं दोस्तों पैदल पूरे, जो भी नंगे पैर परिक्रमा करेंगे पूरे 21 किलोमीटर की दोस्तों गिरिराज जी महाराज का, तभी जाकर पुण्य पूरा होता है। जैसे पैदल चलने वालों के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पैदल चलने वालों के लिए साइड से ही सड़क से एक रेती वाला है, ये ई रिक्शा के लिए रोड है। और जो साइड में बना हुआ है दोस्तों, ये है पैदल चलने वालों के लिए। चलो अपन तो चलते हैं पैदल, दर्शन कीजिएगा इस पास से गिरिराज जी महाराज के। गिरिराज जी महाराज, चले गए सबनी यात्रा करते हैं स्टार्ट। परिक्रमा मार्ग में आपको काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी, यहाँ पे आप चाय नाश्ता करके बैठ के कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। और आज है दोस्तों होली, तो राधे राधे परिक्रमा, राधे 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 राधे। चलिए दोस्तों चलते हैं। आज होली के दिन भी दोस्तों, अभी आज होली है इसलिए कम श्रद्धालु दिख रहे हैं, लेकिन पूरा मथुरा वृंदावन दोस्तों पूरा राधा नाम संग कीर्तन में झूम रहा है। जैसे अभी अपन ने आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, उनमें पूरे वीडियोस में दोस्तों सिर्फ राधा 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 किशोरी श्री राधा, उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है दोस्तों। तो ऐसा ही माहौल अपन को चाहिए था, तो अपन आए श्री धाम वृंदावन में। और दोस्तों ये जो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा है, इसके बिना वृंदावन धाम का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो आप जब भी आएँ तो पहले पूरा मथुरा वृंदावन आप कवर कर लें, घूम लें, उसके बाद में आप आगे गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा कर दें, तो उसी से आपको पुण्य प्राप्त होगा दोस्तों। गिरिराज जी की परिक्रमा में देखिए साधु संत, राधे राधे, जय श्री महाकाल। हाँ बोलिए, जय की जय अली की जय, तन की जय, माले बोले। ओके
दर्शन कीजिएगा नंदी महाराज के। कोई नहीं है यार, मेरे जवाब देने वाले को महंगा पड़ जाता है। क्या महंगा पड़ जाता है भैया? हेलो, एक सवाल का कुछ जवाब नहीं पाओगे। राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक शायरी हो जाए, सुनाओ। हेलो प्लीज, ओके, देख लो ख्वाब। ओके, उसके बाद हेलो, हाँ देख लो ख्वाब। हाँ, मगर ख्वाब की चर्चा ना करो। देख लो ख्वाब, ख्वाब की चर्चा ना करो, चर्चा ना करो। और लोग जल जाएंगे। हाँ, सूरज की तमन्ना ना करो। क्या बात है, खिलाड़ी हो राजकुमार। हाँ, दिख गया खिलाड़ी हो आप, बहुत बड़े खिलाड़ी हो। राधे राधे। आओ जी, आओ सुन लो। बस ठीक है, बहुत हो गया। अरे कुछ नहीं हो गया अभी। चलिए दोस्तों, नजदीक से करते हैं अपन गिरिराजी महाराज के दर्शन। उनको स्पर्श करके देखते हैं, उनके पास जाकर देखते हैं, जिसको हमारे बाकी बिहारी ने अपनी सबसे छोटी उंगली को धारण किया था। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस, श्री गिरिराज जी महाराज। दोस्तों कमेंट बॉक्स में श्री गिरिराज जी महाराज की, गोवर्धन महाराज की जय जरूर लिख देना। हरे कृष्णा हरे राधे जरूर लिख देना दोस्तों। ये हमारे गिरिराज जी महाराज, थोड़ा से दूर आके दोस्तों ये बना है यहाँ पे एक कुंड। यहाँ पे आके आप स्नान ध्यान भी कर सकते हैं। देखिए राधे राधे दोस्तों, होली मची हुई है आज पूरे ब्रज में। देखिए पर्वत पे पूरे साइड ही साइड में पूरा गुलाली गुलाल से पूरा पर्वत मार्ग परिक्रमा मार्ग फैला हुआ है। देखिए परिक्रमा मार्ग में आपको काफी साधु संत मिल जाएंगे बैठे हुए दोस्तों, तो आकर आप साधु संतों की मदद जरूर करें। काफी साधु संत मिल जाएंगे दोस्तों आपको परिक्रमा मार्ग में। चलिए राधे बाबू जी, चलिए दोस्तों कर दिए अपन ने परिक्रमा काफी देर से स्टार्ट। अभी अपन अप्रोक्स 1 से 2 किलोमीटर दूर भी आ गए परिक्रमा के, और उसके बाद मेरे पीछे चल रहे गुरु गिरिराज जी महाराज। दोस्तों इनका आशीष और आशीर्वाद और आप लोगों का सहयोग अगर बना रहा तो अपन बहुत ही जल्दी आके फिर से एक बार और परिक्रमा करेंगे। दोस्तों मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ ज्यादा नहीं, 1 लाख व्यूज का और 10,000 लाइक का। इतना तो आप लोग गिरिराज जी महाराज के नाम पर करवा ही सकते हैं दोस्तों। तो चलो अपन आगे करते हैं पूरे दर्शन गिरिराज जी महाराज के। लेट्स गो। ये देखिए जगह जगह पर साधु संत मिल जाएंगे आपको, आगे इनकी मदद जरूर करें दोस्तों। ये चल रहे हैं हमारे गिरिराज जी महाराज। तो चलिए बोल राधे राधे। पानी में डंक, वाटर प्रूफ नहीं यार भैया। यार भक्त का इस मार्ग में लेट कर भी परिक्रमा करते हैं। देखिए दोनों भाई दंडवत प्रणाम करके परिक्रमा कर रहे हैं। पूरे 21 किलोमीटर की ऐसी करोगे भैया? जय श्री राधे, जय श्री राधे। सबकी गाइज अपनी अपनी मान होती है, जैसे मान पूरी हो जाती है उसके हिसाब से लोगों ने अपनी परिक्रमा करते हैं। तो वैसे ठीक है, आस्था का विषय इसके बारे में कुछ बोलना भी अच्छा नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने भाव है बिहारी जी के लिए। दोस्तों आप लोग आए तो आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसी परिक्रमा करें, लेट के खड़े होकर घुटने चल के जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। लेकिन एक बार यहाँ पर आकर दोस्तों परिक्रमा जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर जो परिक्रमा करने से पूरी मोक्ष की प्राप्ति होती है, बिहारी जी के दर्शन होते हैं साक्षात में। तो चलो चलिए चलेगा, चलते हैं आगे। परिक्रमा अंतिम पड़ाव 20 किलोमीटर की और है। 20 किलोमीटर 1 किलोमीटर अपन चल लिए हैं, अभी 20 किलोमीटर की परिक्रमा और है। राधे राधे भैया, राधे राधे राधे। 20 किलोमीटर की परिक्रमा और है। जो भी गाइस यहाँ से अनियोरा पुछरी का लोटा जतिपुरा पास में ही है। चलो अपन करते हैं पूरी परिक्रमा। अभी गाइस कर लिए अपन ने पूरी 1 किलोमीटर की परिक्रमा, और अभी बची हुई है पूरी की पूरी 20 किलोमीटर की परिक्रमा, जो कि अपन 5 से 6 बजे तक
लगभग अपन हो जाएंगे, सब पूरा कर देंगे, मतलब 5-6 बजे तक अपन पूरी परिक्रमा पूरी कर देंगे। अबे भाई क्या बोल रहा था, मेरे को समझ में भी नहीं आया इससे किसके कारण में आप लोगों से भेज भी नहीं कर पाया। तो चलो चलता है, परिक्रमा मार्ग है, ऐसे काफ़ी लोग मिलेंगे अपन को। कहाँ से आए हो भैया? गंज वासोदा। हो गए दर्शन बिहारी जी के? चलिए दोस्तों चलते हैं, अपनी परिक्रमा करते हैं स्टार्ट। अपने ले लिया था ये, देखिए राधे। भाई जी राधे राधे करो। राधे। तो भाई ने रंग दिए पूरे हो रही है भाई, हो रही। चलिए दोस्तों करते हैं अपनी परिक्रमा फिर से स्टार्ट। अपन ने ले लिया था 5 मिनट का ब्रेक, जिसमें अपन ने चाय पी, उसके बाद में थोड़ा बहुत नाश्ता किया, उसके बाद में अब चलते हैं आगे। और एक ये जो भाई है ये देखिए, ये लोग सब होली खेलने के माहौल में है। और दूसरे भाई देखिए, गाइस अगर होली खेलनी है ना तो आप लोग वृंदावन ही आए। देखिए मार्ग में दोस्तों बंदरों से रहना सावधान, अपने फ़ोन मोबाइल चश्मा पर्स सब बचा के रखना, क्योंकि ये ले जाते हैं फिर नहीं देते। और एक बार ले गए ना तुम्हारा फ़ोन चश्मा तो उसके बाद मिलने वाला नहीं है दोस्तों। चलिए अपन करते हैं अपनी परिक्रमा राधे राधे बोल के, बने रहिए ब्लॉग में, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, काफ़ी मज़ा आने वाला आप सभी को। चलिए दोस्तों पूरा परिक्रमा मार्ग में अंदर आपको साधु संत देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी यही उनका सहारा है हमारे गिरिराजी महाराज। चलो बने रहिए ब्लॉग में, काफ़ी दूर की यात्रा है अभी तो, अपन ने 1 से 2 किलोमीटर दूर ही तय किया है अभी तो, 18-19 किलोमीटर की यात्रा करना, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी खूबसूरत अपनी ये यात्रा है दोस्तों। करते हैं चलो गिरिराजी की परिक्रमा। ये देखिए देखिएगा इस सुंदर वृक्ष हैं अंदर मंदिर के परिक्रमा में, देखिए पर्वत पर काफ़ी बड़ा विशाल पर्वत है, और पहले से दोस्तों छोटा पर्वत होता जा रहा है, ये काफ़ी विशाल पर्वत है। देखिए आप दर्शन कीजिए, अभी कर लिया अपन ने गाइस 2 किलोमीटर की परिक्रमा, अभी 19 किलोमीटर की परिक्रमा अभी बाकी शेष है। इसलिए अपन 2 किलोमीटर की भी अभी फिलहाल में अपन ने 2 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी कर पाई है, अभी 18 किलोमीटर और चलना है। चलो 18 किलोमीटर की परिक्रमा में अपन को लगने वाले हैं दोस्तों समथिंग। मैंने ये परिक्रमा स्टार्ट करी थी 12 बजे के टाइम पे, और शाम के बज जाएंगे मुझे 5 से 6 बज जाएंगे दोस्तों। तो 6 बजे तक आपको काफ़ी मैं एंटरटेन करने वाला हूँ, और बिहारी जी के आपको बिहारी जी के चरित्र के बारे में भी बताने वाला हूँ, और उसके बाद में श्री गिरिराजी महाराज की जो पूरी स्टोरी है वो भी अपन कवर करने वाले हैं इस पूरी परिक्रमा मार्ग में। ये पूरी परिक्रमा दोस्तों जब फिर से बता देता हूँ मैं, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, बने रहिए ब्लॉग में। चलो आगे चलते हैं गाइस, परिक्रमा करते करते पहुँच गए अपन अनोयरा, अब इसके बाद में चलते हैं आगे, देखते हैं क्या मिलता है, वहाँ के भी दर्शन कराता हूँ मैं आपको, बने रहिए ब्लॉग में। दर्शन कीजिएगा इस दुर्लभ गिरिराज जी महाराज के, जहाँ पर आने के लिए कई जन्मों इंसान को लेना पड़ता है तब यहाँ पर आ पाता है दोस्तों। चलो दर्शन कीजिए आप श्री गिरिराज जी महाराज के, एकदम पास में चलना है अपन, कच्चे रास्ते से अभी चल रहे थे अपन, पक्के मार्ग से अब चलते हैं कच्चे मार्ग से। ब्रिज की भाषा तो वैसे ही है, काय मुड़ा का कर रहा हो, आई लव ब्रिज। देखिए गाइस ब्रिज की बात, दर्शन कीजिए गिरिराज जी महाराज के, संकट में आ गए। हाँ जब उठाए गिरिराज जी भैया बोल रहे हैं कि जब इंद्र को अभिमान आ गया था तब भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन गिरिराजी महाराज का अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पे इनको उठाया था, तब से इनका नाम, तब से श्री कृष्ण भगवान का भी नाम गिरधारी पड़ गया है दोस्तों। कहीं अपन पहुंच गए एकदम कच्चे मार्ग पर, और एकदम पास में आ गए अपन गिरिराजी महाराज के गोवर्धन पर्वत के एकदम नज़दीक। यदि कितने पास मेरे गोवर्धन पर्वत है,
ये सिर्फ पत्थर कंकड़ पेड़ पौधे नहीं है दोस्तों, ये हमारे लिए सब कुछ है। दोस्तों देखिए गिरिराज जी पर्वत, गोवर्धन पर्वत अपने एकदम जस्ट पास में है। देखिए मैं इसको टच भी कर सकता हूँ, इनको गिरिराज जी महाराज को देखिए टच भी कर सकता हूँ। दोस्तों बचपन से जब से श्री रामानंद सागर जी की जो श्री कृष्ण लीला आई थी उसमें जब भगवान श्री कृष्ण ने सबसे छोटी अवस्था में, मेरे को आयु तो पता नहीं है लेकिन छोटी अवस्था में इन श्री गिरिराज जी पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था, तब से जब से मैंने वो अध्याय देखा तब से मेरे मन में एक भाव आया कि वो कितना भव्य और विशाल वो पर्वत होगा जिसको हमारे श्री बाके बिहारी जी ने, हमारे निकुंज बिहारी जी ने अपने स्वर श्री द्वारकाधीश ने अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया था, वो भव्य कितना विशाल पर्वत होगा। देखिए यही वो पर्वत है जिसको हमारे बाके बिहारी ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया था, तब से श्री बाके बिहारी जी का भी नाम गिरधारी पड़ गया। दोस्तों वैसे तो काफ़ी नाम है जो जो उनने लीला रची है, उन सभी लीलाओं के अंतर्गत उनके नाम पड़े कुछ ना कुछ, ये उनकी विशेष लीलाओं में से एक लीला थी श्री गिरिराज जी को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण करने की। तो दोस्तों आप भी अगर वृंदावन में, सजेशन करूँगा वृंदावन आओ तो यहाँ पर ज़रूर आना क्योंकि इसके बिना वृंदावन दर्शन अधूरे हैं। चलो बने रहिए, आप लोग को मैं एक सजेशन करूँगा कि आप लोग सुबह शाम दोस्तों राधा नाम संकीर्तन जरूर करना, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है राधा नाम संकीर्तन। तो बोलो राधे राधे, अभी तो यात्रा बहुत बड़ी है दोस्तों अपनी। देख कितने नज़दीक हमारे, देखिए गाइस अगर आप मेरे वीडियो अगर 20-25 वर्ष के आयु के लोग देखते हैं तो मैया बाबा की भक्ति देखिए आप, कितनी अटूट भक्ति है मैया बाबा की बिहारी जी के प्रति कि दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा की पूरी परिक्रमा कर रहे हैं। राधे राधे बाबा जी, ऐसी परिक्रमा करोगे बाबू जी पूरी? हाँ वो मुखारविंद तक, मुखारविंद तक ठीक है भैया। राधे राधे, देख लो जवान लोंडो आप बोलते हो कि क्या रखा है भक्ति में, कुछ हमारे बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग हैं उनसे सीखो कि श्री बाके बिहारी की भक्ति में क्या है, सीखो कुछ। ऐसे जीवन को अपना व्यतीत मत करो, दारू सिगरेट मुर्गा इनमें सब में अरे बाकी करना है मजे लेना, बाके बिहारी की भक्ति कर मेरे प्यारे। दोस्तों धन है ये गांव वाले, देखिए ये गांव जस्ट गिरिराज पर्वत के जस्ट पास में ही है, एक गली का फर्क है बस, और अपन लोग दोस्तों इतनी दूर से पे आए और इन लोगों के ने कौन सा पुण्य किया होगा। दोस्तों ये श्री गिरिराज जी की शरण में ही डले हैं और गिरिराज जी महाराज ने भी इनको ऐसे पाल के रखा है जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है ना, ऐसी सजो के रखा है इन लोगों को, वो काफ़ी अच्छे लोग हैं ब्रज के लोग। कोई भी मिलता है भैया राधे राधे, भैया राधे राधे, चाचा राधे राधे, ऐसी बात करते हैं। चलो अपन भी प्रेम से बोलते हैं, एक बार सब मिल के बोलो राधे राधे, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना। चलिए दोस्तों अपन आ गए हैं गोविंद कुंड के पास में, और दोस्तों गोविंद कुंड इसका नाम तब पड़ा था जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान घटाने के बाद में, जब इंद्र परास्त हो गया था सारी उसमें इंद्र ने अपनी कलाएँ भगवान गोविंद ये पर्वत पर डाल दी थी, वज्र वगैरह जितने भी उसके हथियार थे सब पर्वत पर डाले थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पूरे मथुरा को पूरे वृंदावन को भारी प्रलय से हमारे गिरिराज जी ने बचाया था गोवर्धन पर्वत को उठाकर, तब स्वयं इंद्र ने यहाँ पर आकर भगवान का अभिषेक किया था उनको, जो गोलोक का इंद्र बनाते हैं ना भगवान श्री कृष्ण को गोलोक का इंद्र बनाया था, और तभी भगवान को एक नाम दिया था स्वयं इंद्र ने श्री कृष्ण भगवान को कि आज से तुम एक गोलोक के इंद्र हो, तब से भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। तो बोले गोविंद गिरधारी लाल की जय, दर्शन कीजिए दोस्तों आप गोविंद कुंड के, ये वही कुंड है जहाँ भगवान का अभिषेक किया था इंद्र ने। देखिए गाइस यहीं पे ये कुंड बनाया गया है और वो सामने दिख रहा है दोस्तों, वहाँ पे किया था भगवान का अभिषेक इंद्र ने किया था, और ये पास में गोविंद कुंड पे दोस्तों आपको गन्ने अन्ने की दुकान के जूस मिल जाएगा परिक्रमा मार्ग में ही, तो आप लोग आके यहाँ पे जूस भी पी सकते हैं। गुलमुखारविंद यहीं पे किया था भगवान ने का अभिषेक इंद्र ने, चलिए दर्शन कराता हूँ आपको मैं। वैसे यहीं पे अभिषेक किया था इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का, और यहीं से नाम पड़ा था उनका गोविंद। बोले गोविंद गिरधारी लाल की जय, कमेंट बॉक्स में गोविंद गिरधारी लाल की जय जरूर लिख देना दोस्तों। अभी फिलहाल मैं इस वाले ब्लॉग करता हूँ दोस्तों मैं यहीं पे एंड, क्योंकि परिक्रमा के बनेंगे गाइस दो वीडियो, दो ब्लॉग में पूरा कवर हो पाएगा। अभी इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, चलो
गोविंद गिरधारी लाल की जय।